नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? ऑल फाइन, हैप्पी, डूइंग योर होमवर्क प्रॉपर इन हाउस? गुड। चलो आज हम नया लेसन शुरू करते हैं, खेल खेल में विज्ञान। खेल खेल में विज्ञान। आओ बच्चों खेल खिलाएं। आओ बच्चों खेल खिलाएं, कागज की एक नाव बनाएं। ठीक है, तो आओ बच्चे एक खेलें खेल। एक हम पेपर से नाव बनाते हैं, बोट बनाते हैं। नाव मतलब बोट बनाते हैं। उसको पानी पर तैराएं। उसको पानी पर तैराएं, उसको हम पानी पे फ्लोट करते हैं। खेल खेल में पढ़ते जाएं, और खेलते खेलते हम साथ में पढ़ाई भी करते जाएं। ठीक है, आओ बच्चे खेल खिलाएं, कागज की एक नाव बनाएं। उसको पानी पर तैराएं, खेल खेल में पढ़ते जाएं। एक पहेली है यह भारी, एक पहेली है यह भारी, तैर रही क्यों नाव हमारी। ये एक पहेली बड़ी अजीब सी है। ये हमारी नाव जो है पानी में डूबने की जगह तैर क्यों रही है? ठीक है, डूब नहीं क्यों भर है जाती, कौन सी बात इसको सुलझाती। डूब नहीं क्यों भर है जाती, कौन सी बात इसको सुलझाती। ये पेपर की नाव डूबती क्यों नहीं है, इसमें पानी क्यों नहीं भर जाता, ये तैर क्यों रही है? तो कौन सी बात है जिसके कारण ये नाव पानी में तैर रही है, डूब नहीं रही है? जब नाव जल पर छोड़ी जाती, भार बराबर जल हटाती। जब हम नाव को पानी में छोड़ते हैं तो उस पेपर का जितना वेट होता है उतना वेट वो अपने पानी को हटा देती है अपने सामने से। ठीक है, भार बराबर जल हटाती, उतना ही पानी वो वहां से हटा देती है। आर्किमिडीज ने जिसे बताया यही प्लावन नियम कहलाया। आर्किमिडीज ने जो रूल्स बताया है, जो थ्योरी बताया है, उसका नाम प्लावन का थ्योरी है। ओके, प्लावन का नियम है। आर्किमिडीज ने जो थ्योरी बताई वो प्लावन थ्योरी है। ठीक है, तो उसी प्लावन थ्योरी के ऊपर कोई भी चीज जो पानी में डालने पे तैरती है वो प्लावन नियम के तहत चलती है। ठीक है, छोटी हो या चीज बड़ी हो, लकड़ी अथवा लोहे की हो, बस इस कारण यह डूब न पाए, खेल खेल में पढ़ते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि चीज छोटी सी हो या बड़ी सी हो, ओके, बड़ी हो या छोटी हो, लकड़ी की हो या लोहे की हो। लकड़ी मतलब वुड है, लोहा मतलब आयन है। ठीक है, लोहे की, स्टील की, या मतलब कि कोई हल्की चीज हो या भारी चीज हो, बस यही एक कारण है कि जो भी चीज पानी में फ्लोट करती है वो डूबती नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज जब हम पानी में डालते हैं तो वो अपने भार के बराबर पानी अपने नीचे से हटा देती है। ठीक है, इसी से वो तैर पाती है। और इसी खेल खेल में हमने एक नया रूल्स भी जान लिया कि कोई चीज पानी में क्यों तैरती है। ठीक है, तो खेल खेल में हमने एक नाव बनाई, नाव को पानी में तैराया, और तैराते तैराते हमें पता चल गया कि ये तैरती क्यों है। तो ये जो है तैरती है, इसी तैरने को, कोई चीज पानी में क्यों तैरती है, आर्किमिडीज जो एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, और इसी थ्योरी पे उन्होंने प्लावन का नियम बनाया। प्लावन थ्योरी के नाम से वो जाना गया। ठीक है, नेक्स्ट हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तैराए, तैराए मीन्स टू मेक समथिंग फ्लोट। प्लावन नियम, लॉ ऑफ बॉयनेसी। लकड़ी, उड, लकड़ी मीन्स उड। पहेली, रिडल्स। नाव, बोट। लोहा, आयन। ओके, सो ये सिर्फ सिक्स वर्ड मीनिंग है, आप लोग इसको अपने क्लास वर्क में लिख लेना। ठीक है, तैराए टू मेक समथिंग फ्लोट, हम पानी में तैराते हैं ना कोई चीज, वो हो गई तैराए। प्लावन नियम, प्लावन नियम मीन्स लॉ ऑफ बोयंसी। लकड़ी, उड, लकड़ी मीन्स उड, सबको आपको पता है। पहेली, पहेली मीन्स रिडल्स।
नाव बोट, लोहा आयन, iron. सो ये सिक्स वर्ड मीनिंग जो है आप अपने क्लास वर्क में लिख लेना, ठीक है? ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल गो फॉर पेज नंबर 49. ओके, एक्सरसाइज. कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए. ये आप लोगों को खुद ही कर लेना है, ठीक है? क्योंकि पोयम से जहां से स्टार्ट हो रही है और जहां खत्म हो रही है, बीच का हिस्सा आपको फिल करना है. तो पीछे से पोयम देख के इसको आपको खुद ही फिल कर लेना है. ओके, तो ये पोयम आप खुद कंप्लीट कर लीजिए. नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, आर्किमिडीज कौन थे? हु वाज आर्किमिडीज? आंसर होगा आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे. वैज्ञानिक मीन्स साइंटिस्ट, वैज्ञानिक मीन्स साइंटिस्ट, विज्ञान मीन्स साइंस, और जो साइंस को जाने साइंटिस्ट, ठीक है, वैज्ञानिक. सो आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे. प्लावन नियम में क्या बताया गया है? तो जो प्लावन की थ्योरी है, आर्किमिडीज ने जो प्लावन की थ्योरी बताया था, उसमें क्या बताया गया है? आंसर होगा प्लावन नियम में बताया गया है कि जब कोई वस्तु पानी पर रखते हैं, वह अपने भार के बराबर पानी हटाती है. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जब कोई चीज हम पानी के ऊपर रखते हैं ना, तो वो अपने भार के बराबर नीचे से पानी हटा देती है, इसी से वो तैरती है पानी पर. क्वेश्चन नंबर 3, नाव जब पानी में छोड़ी जाती है तो वह कैसे तैरती है? जब हम कागज की नाव या उड की जो नाव होती है, बोट होती है, पानी में जाती है, तो तैरती कैसे है? नाव अपने भार के बराबर पानी हटाती है, जिससे वह तैरती है. ओके, सो ये आपके 3 क्वेश्चन है. एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन. खेल खेल में आपने क्या सीखा? सो प्लेइंग प्लेइंग, आप नाव चला के खेल रहे थे और खेलते खेलते आपने क्या सीखा? छोटी बड़ी चीजें प्लावन नियम के आधार पर ही पानी में तैरती हैं. तो हमने ये सीखा कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि कागज की बोट हुई, लीफ हुई, या बड़ी चीजें, शिप वगैरह, पानी में प्लावन के नियम के आधार पर ही तैरती हैं. तो ये आपके 4 क्वेश्चन आंसर हैं, आपको बुक में ही कंप्लीट करना है. नेक्स्ट हम जाएंगे विलोम शब्द. भारी, भारी मीन्स बहुत ज्यादा भारी, वेट. हल्की, वेरी लाइट, हाँ, जैसे कागज हो गया, लीफ हो गया, कॉटन हो गया, तो भारी हल्की. एक, अनेक, एक वचन बहुवचन वो होता है ना, एक मतलब वन, अनेक मीन्स मैनी. डूबना, डूबना मतलब पानी में कोई भी चीज डूब गई, भारी चीज डालोगे पानी के अंदर डूब गई, डूबना. तैरना, फ्लोटिंग करना, जैसे कि बोट जो है फ्लोट करती है पानी में, ठीक है, तो डूबना, तैरना. सुलझना, अपोजिट होगा उलझना. सुलझना मतलब कि ढेर सारे थ्रेड हैं आपस में सुलझ गया, ठीक है. उलन वगैरह होता है ना, हम प्रॉपर राउंड बना के ले आते हैं, तो वो है सुलझना. एक तरफ से धीरे धीरे खींचोगे, उसे हम स्वेटर वगैरह बुन लेते हैं या फिर सिलाई करते हैं, जो हमारी थ्रेड होती है. उलझना मतलब सब एकदम से खोल के मिक्स कर दिया, किधर उसका छोर है, किधर से निकालना है, पता ही नहीं चला. तो सुलझना, उलझना, सुलझना मतलब एक शॉर्ट आउट हो गया सीधे सीधे, उलझना मतलब सब मिक्स हो गया. छोटी, छोटी मतलब साइज में स्मॉल, बड़ी बहुत बड़ा साइज में, ठीक है. तो साइज में जो चीज छोटी हो, जैसे कि मस्टर्ड हुआ, सुगर हुआ, ये सब छोटा छोटा हो गया. बड़ा आप लट्टू ले लो, बॉल ले लो, वो हो गया बड़ा. समान, समान मतलब इक्वल, समान मतलब इक्वल. असमान मतलब डिफरेंट साइज में, डिफरेंट चीजों में, हाँ, जिसमें कोई असमानता न हो. तो समान, असमान. पर्यायवाची, खेल, खेल मतलब खेलना. सिनोनिम क्या होगा? क्रीड़ा, केली. पानी, पानी मतलब वाटर. जल, नीर. बच्चा, बालक, लड़का. समुद्र, उदधि, सागर. ओके, तो ये सारे आपके पर्यायवाची हो गए. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एकवचन बहुवचन. आपको पता है
नाव नावों, चीज चीजें, बच्चा बच्चे, लोहा लोहे, पहेली पहेलियां, समुद्र समुद्र। नेचुरल चीज है समुद्र, तो उसका बहुवचन भी सेम होगा। मैंने बताया है जब एक वचन में कोई लास्ट वर्ड पे बड़ी ई की मात्रा होती है उसका हम प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं, तो क्या होता है बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में चेंज हो जाती है और एक्स्ट्रा यां लगता है, जैसे कि पहेली पहेलियां। लास्ट में अगर कोई मात्रा ना हो या फिर आ की मात्रा हो तो आ की मात्रा हटा के ए की मात्रा डालते हैं, और अगर कोई मात्रा भी ना हो तो हम क्या करेंगे ए की मात्रा डालेंगे। एज यहाँ पे व है और व जो है एक तरह का वॉवल है, इसलिए नावें नहीं बोल सकते, इसलिए वहां पे नावों आया है। ठीक है, नावें कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए नाव का नावों हुआ, बाकी सब चीज चीजें, बच्चा बच्चे, लोहा लोहे, पहेली पहेलियां, समुद्र समुद्र। ठीक है, समुद्र जो है वो नेचुरल चीज है, इसलिए हम उसको वैसे ही करेंगे, उसका कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, कुछ चीजें यहाँ दी हुई हैं जेंडर में जो कि चेंज नहीं होती, पुलिंग कागज, जल पानी, स्त्रीलिंग, नाव, चीज, पहेली, ये सारी चीजें जब हम यूज करेंगे सेंटेंस बनाते समय तो उसके अनुसार स्त्रीलिंग और पुलिंग बनाएंगे। ठीक है, ओके, अभी हम पेज नंबर 51 पे चलेंगे। वहां पे दिया हुआ है कुछ, हमें पढ़ के फिर लिखना है। ठीक है, एक दिया हुआ है खेल खिलाएं। खेल खिलाएं मतलब एक काम जो है किसी से करवाया जा रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है हमें खुद करना है। तो जो काम हमें समझना है कि क्या काम कोई और कर रहा है और क्या काम हमें खुद करना है, उसको हमें चेंज करना है। ठीक है, अपने आप सोच के। पहला है खेल खिलाएं। खेल खिलाएं मतलब जैसे कोई पीटी टीचर है, स्पोर्ट टीचर है आपके, जैसे कराटे सर होते हैं, स्केटिंग सर होते हैं, तो वो आपको खेलने के लिए गाइड करते हैं, तो उसमें आएगा खेल खिलाएं। उसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, खेल खेलते जाएं। ठीक है, खेलते जाएं मतलब कि आप खुद खेलिए, खेलते जाएं मतलब आप खेलते रहिए ऐसे। पाठ पढ़ाते, पाठ कौन पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएगी। ठीक है, टीचर पाठ पढ़ाएगी ना, तो यहाँ पे पाठ पढ़ाते हम जब इसे चेंज करेंगे तो होगा पाठ पढ़ते जाएं। पाठ पढ़ते जाएं मतलब आप पाठ को पढ़ना शुरू कंटिन्यू रखो। ठीक है, नाम कराता, नाम कराता मींस किसी की हेल्प से कोई नाम आपका करवाता है, कोई आपको बड़ा आदमी बनने में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छे संस्कार देगा, टीचर अच्छी पढ़ाई करेगी तभी तो आपका नाम आगे बढ़ेगा, तो उसकी हेल्प से। यहाँ पे जब हम चेंज करेंगे तो नाम करें मतलब खुद अपने आप को इतना आपको मॉडिफाई करना है, इतना अच्छा बनाना है कि लोग आपको बोले कि हाँ कितना अच्छा काम किया आपने। तो नाम कराता चेंज करेंगे, नाम करें। रूप दिखाता, रूप दिखाता मीन्स कोई है जो अपना चेहरा दिखा रहा है। ठीक है, रूप दिखाता मीन्स कोई दिखा रहा है। रूप दिखाएं मतलब खुद को दिखाएं, खुद अपना जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो भी आपका ढंग है, उसको आपको खुद दिखाना है। काम करता, काम कराता, काम कराता मतलब कोई है जो किसी से काम करवा रहा है। ठीक है, जैसे कंपनी में बॉस है, लोगों को उनके नीचे जो काम कर रहे हैं उनको काम देके बोलते हैं कि ये काम करिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं काम कराता, किसी और से काम करवाना है। यहाँ पे काम कराएं, अभी क्या बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आप किसी से काम करिए, पहले कोई और किसी को काम दे रहा था, अभी क्या है कि आप किसी और से काम कराएं। खाना खिलाते, किसी के बारे में बोल रहे हैं कि वो किसी को खाना खिलाते हैं, जैसे मम्मी छोटे बच्चों को खाना खिलाती है, चेंज करेंगे तो खाना खिलाएं, आपको बोल रहा है कि आप किसी को खाना खिलाइए। देखता जाता, ठीक है, देखता जाता कोई है जो देखते हुए जा रहा है, किसी चीज को देखते हुए जा रहा है, अभी उसको चेंज करेंगे तो आपके लिए बोल रहे हैं देखते जाएं मतलब कि आप जब जा रहे हैं तो देखते हुए जाइए।
फूल खिलाता, फूल कौन खिलाता है, नेचर खिलाता है, नेचर को किसने बनाया, गॉड ने बनाया है, तो फूल खिलाता मतलब कि नेचर जो है वो फूल को खिलाता है, इसमें फूल खिलाएं, आपको फूल खिलाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जब मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने शब्द के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है चार तरह के होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है, वे संस्कृत शब्द जो उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो तत्सम शब्द वो है जो संस्कृत का शब्द है और आज भी हम उसे वैसे ही बोलते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। तद्भव शब्द क्या है, तद्भव शब्द मतलब संस्कृत के जो शब्द हैं उसको थोड़ा हमने घुमा फिरा के अपने अनुसार बना के बोलना शुरू कर दिया है, वो हो गया तद्भव शब्द। देशज शब्द क्या है, जो कि हमारे लिटरेचर में नहीं आता है लेकिन लोकल में बोला जाता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं उसको बोलते हैं। दूसरा शब्द जो है वो क्या है, उसको बोलते हैं विदेशी शब्द, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वो है जो कि दूसरे देशों से आया हुआ है, ठीक है, जो दूसरे देशों से, जैसे कि कभी मुस्लिम्स आए तो वो उनका शब्द हमने सीख लिया, कभी ब्रिटिश आए, हाँ डिफरेंट कंट्री से लोग आए और वो जो चीजों को बोलते हैं वही हमने भी अपनी लैंग्वेज में उसको ले लिया। तो ये चार टाइप के जो हैं शब्द होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए दिया हुआ है, कुछ शब्द हैं जिनको हमें सही ढंग से लिखना है, ऊपर कुछ शब्द दिए हुए हैं और हमें सेट करके उसको प्रॉपर लिखना है। तत्सम शब्द में ऊपर से हमने लिया है दुग्ध, गृह, दिवस, ये तत्सम शब्द है, मतलब ये संस्कृत के डायरेक्ट शब्द हैं, इसमें आज भी बोला जाता है, कोई चेंजेस नहीं है। तद्भव शब्द जो है, दूध, खेत, किताब, गाय, थैला, हाथ, ये शब्द जो है अभी हम घुमा फिरा के संस्कृत के शब्दों को बिगाड़ के आम भाषा में बोलते हैं। देशज शब्द, पगड़ी, चारपाई, ये एक गांव में जो शब्द बोले जाते हैं ना, ग्रुप ऑफ पीपल से बोलते हैं, वो शब्द होते हैं। देशज शब्द हर जगह इसको नहीं बोला जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया में बोलते हैं। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द अफसोस है, अफसोस जो है वो एक दूसरी कंट्री का शब्द है, ठीक है, एक उर्दू या फारसी शब्द है। तो इस तरह यहाँ पे किया है, सेम थिंग आप अपनी बुक में लिख लेना। ओके ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल गो फॉर वन वर्ड क्वेश्चन आंसर। ओके, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर फॉर योर लेसन 7। सो शैल वी स्टार्ट। कौन सा खेल खेलने की बात की जा रही है, कौन सा खेल खेलने की बात की जा रही है। सो इन योर लेसन, ओके, खेल खेल में विच गेम दे आर टॉकिंग, विच गेम दे वॉन्ट टू प्ले, दैट दे आर सेइंग। इस पाठ में कागज की नाव खेलने की बात की जा रही है। सो इस लेसन में किस चीज की बात की जा रही है, कागज की नाव तैराने की बात की जा रही है। सो कागज की नाव इज द आंसर, ओके, कागज की नाव जो है आंसर है। इस पाठ में कागज की नाव खेलने की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2, नाव किस चीज की बनाई जाएगी, नाव किस चीज की बनाई जाएगी जो कि पानी में तैरे, हम सब लोग बारिश होती है तो नाव बना के तैराते हैं ना, किस चीज से बनाते हैं। आंसर होगा, नाव कागज की बनाई जाएगी, नाव जो है वो कागज से बनेगी, पेपर की बनी होगी, ठीक है, तो आंसर होगा कागज, नाव कागज की बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी पहेली भारी है, इस पोयम में आया है कि ये पहेली भारी है, तो कौन सी पहेली भारी है, मतलब क्या पहेली क्या है इस लेसन में। नाव क्यों तैर रही है, यह पहेली भारी है। तो नाव हमने बनाया, उसको डूबी क्यों नहीं पानी में, पानी में तो कोई भी चीज डाल नाव में डूब जाता है, नाव क्यों नहीं डूबी, वो तैर क्यों रही है, यही जो पहेली है वो भारी है, ठीक है, नाव क्यों तैर रही है।
क्वेश्चन नंबर 4, आर्किमिडीज वैज्ञानिक ने किस नियम को बताया? आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक मीन्स साइंटिस्ट, क्या बताया, किस नियम को बताया, ठीक है, कौन सा नियम बताया उन्होंने? आर्किमिडीज ने प्लावन के नियम को बताया था, प्लावन के नियम को बताया था। तो उनका क्या था सिद्धांत, क्या था थ्योरी, क्या थी? प्लावन के नियम को। तो आपका जो आंसर है प्लावन का नियम। आप साइंस में भी हो सकता है अभी पढ़ रहे होगे या फिर थोड़ा और हायर क्लास में जाओगे तो ये सारे जो उनके मेथड हैं, थ्योरीज हैं, वो आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। आपका असाइनमेंट क्या होगा, तो ये जो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, इसको आपको एज यूजुअल आपको पता होगा क्लास वर्क में नीट एंड क्लीन लिखना है, ठीक है, वर्ड मीनिंग के बाद। असाइनमेंट क्या होगा, रीड एंड राइट लेसन 7 न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स मीन्स आपका वर्ड मीनिंग। क्वेश्चन आंसर, ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया है दोनों आपको कंप्लीट करना है। ये जो है आपको क्लास वर्क में डाल लिखना है और बुक का क्वेश्चन बुक में ही लिखना है, और अगर अभी तक बुक नहीं ली है तो उसको भी क्लास वर्क में लिखिए, ठीक है। कंप्लीट पेज नंबर 49, 50, 51 एंड 52, ओके, कंप्लीट पेज नंबर 49, 50, 51 एंड 52 इन द बुक। सारी एक्सरसाइज मैंने आपको पढ़ा दिया है, सेम थिंग आपको अपनी बुक में नोट करना है, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।